अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हैं तो इधर भी एक नज़र डाल लीजिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बाइक्स जो इस महीने यानी मई 2018 में लॉन्च होने वाली है। हेलो गाइस, दिस इज सैम, आपका अपना द एक्सप्लेनर गाय। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रोड मास्टर इलाइट के बारे में। अमेरिकन मैन्युफैक्चरर कंपनी इंडियन मोटरसाइकिल्स लॉन्च करने जा रही है अपनी नई बाइक जो है इंडियन रोड मास्टर इलाइट। नज़र डालते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस पे। तो इसकी खूबियां हैं कुछ कमाल की। इसकी फ्यूल टैंक पे आपको मिलेगा 23 कैरेट गोल्ड से लिखा हुआ बैजिंग, और इसके लोअर इंजन पे भी और इसके जहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये गोल्ड से लिखा हुआ, तो वो असल में 23 कैरेट का रियल गोल्ड है। अब बात करते हैं इसके कुछ अलग फीचर्स के बारे में। तो फुल एलईडी लाइटनिंग मिलेगी आपको, इसमें राइड कमांड सिस्टम मिलेगा जिसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होगी, यूएसबी का पोर्ट होगा और 300 वाट का स्पीकर होगा जिसमें आप मनपसंद गाने सुन सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 1811 सीसी का थंडर स्ट्रोक वी ट्विन इंजन मिलने वाला है जो 139 नैनोमीटर का पीक टॉर्क देगी। दोस्तों, BS3 के धक्के खाने के बाद डुकाटी भी वापस आ चुकी है लेके अपना डुकाटी मॉन्स्टर 821 2018 मॉडल, और ये बाइक आपको मिलेगी 10 लाख रुपए में। इसकी खूबियों पर ध्यान दें तो इसमें मिलेगा आपको LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल यानी LCD स्क्रीन मिलेगी, नया ड्यूअल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलेगा इसमें, 821 सीसी का V-Twin Testastretta इंजन मिलेगा जो 108 BHP की पावर देगा और 86 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देगा। इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशंस हैं जो अलग अलग मोड्स पे चलते हैं, और 3 लेवल ABS सिस्टम भी मिल जाएगा। तीसरी बाइक की बात करते हैं, वो है हीरो एक्सट्रीम 200R। एक बहुत लंबे टाइम के बाद हीरो भी अपना फ्लैगशिप बाइक लेके आने वाला है। इस बाइक की खूबी पे ध्यान देते हैं तो ये 200 सीसी के इंजन के साथ मिलता है जो सिंगल सिलेंडर है, कार्बोरेटर बेस्ड है, जो 18.1 BHP का पावर देता है और 17.1 नैनोमीटर का पीक टॉर्क मिल जाएगा। इसमें कुछ खूबियां, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस सुधारी गई है, साउंड और हैंडलिंग और स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया गया है। इसकी टॉप स्पीड है 112 किलोमीटर पर आवर की, और जो 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4.6 सेकंड में कवर कर लेती है। ABS भी ऑफर किया जाएगा, ABS का थोड़ा दाम आपको महंगा पड़ सकता है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 85,000 रुपये यानी 8,500 रुपये। अब अगली बात करते हैं सुजुकी जिक्सर ABS की। तो सुजुकी में बस ABS का इम्प्रूवमेंट होगा और कुछ स्टेबिलिटी और हैंडलिंग पे ध्यान दिया गया है, और इसकी पावर है 14.2 BHP की और 14 नैनोमीटर का पीक टॉर्क मिलता है। 155 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन है जो एयर कूल्ड बेस है, ABS की वजह से ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा, आप सुरक्षित फील करेंगे, आपको सुरक्षा अच्छी मिलेगी। इसकी प्राइस भी पिछली बाइक की तरह 90 से 1 लाख के बीच में होगी, और इसमें आपको 6,000 से 8,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा लग जाएगा ABS सिस्टम के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 स्कूटर का। ये एक मैक्सी स्टाइल स्कूटर है और इसमें 125 सीसी का इंजन मिल जाता है। इसकी पावर है 8.5 BHP की और 10.2 नैनोमीटर टॉर्क है। सिंगल सिलेंडर इंजन है और डिज़ाइन काफ़ी बल्कि और भारी सा है, और डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में इसको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ इसकी जो पॉकेट्स हैं इसमें जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा है। इसमें ये काफ़ी स्पेशियस स्कूटी है और ये सुजुकी का फ्लैगशिप स्कूटर है इंडिया में। तो बस यही थे वो 5 टू व्हीलर्स जो लॉन्च होने वाले हैं इस महीने मई में 2018 में। अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए और भी ऐसी चीज़ें लाऊंगा जो लॉन्च होने वाली होंगी।